Hello everyone. So in this lesson, we will be discussing about Dwight Waldo. So Dwight Waldo, who is famous for his new public administration, ki jo movement thi wo inhone lead ki thi, unhi ke baare mein jo hai, aaj hum is video mein, is lecture mein janenge. Okay, so he was born in 1913 and he expired in 2000. So let us start with a few facts about him. So Dwight Waldo was an American philosopher, historian, theoretician, and he was born in David, Nebraska, USA in 1913. David जो है Nebraska जो USA में है उसके अंदर छोटा सा एक गाँव था, विलेज था, जहाँ पर इनका जन्म हुआ. He did his master's in political science from University of Nebraska. तो University of Nebraska से ही इन्होंने अपनी master's की political science में, और फिर 1942 में इन्होंने अपनी PhD complete करी from Yale University. तो जो इनकी PhD की dissertation थी, जो thesis थी, उसका नाम था द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जो कि इनकी पब्लिकेशन भी रही और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई. उसको आज तक भी जो है पढ़ा जाता है. इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, राइट. सो ही वर्कड विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सायराक्यूज़ यूनिवर्सिटी, वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स एट्सेट्रा. तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इन्होंने काम किया, अकेडमिकली जो है काम किया, फैकल्टी की तरह जो है काम किया, राइट. स्टार्टिंग भी जो है इन्होंने अपने करियर की टीचिंग से ही की थी, कोशिश की कि इनको जॉब मिल जाए. तो टीचिंग में जॉब नहीं मिली तो फिर इन्होंने पेपर रीडर का जो काम होता है, जो पेपर रीड्स करते हैं, उनकी तरह काम स्टार्ट किया. साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जो है वो कंटिन्यू करते गए. बाद में जो है इन्होंने इन यूनिवर्सिटीज़ में काम किया. इसके अलावा ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रैक्टिशनर. तो यहाँ पे तो इन्होंने फैकल्टी की तरह काम किया था पॉलिटिकल साइंस की, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिशनर की तरह भी काम किया, जैसे एनालिस्ट की तरह काम किया इन ऑफिस ऑफ प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद एक दोबारा से एनालिस्ट का काम किया, कहाँ पर, ब्यूरो ऑफ बजट के अंदर, जो कि वॉशिंगटन DC में था. सो उनका जो एक्सपीरियंस है, एक फैकल्टी प्रोफेसर की तरह भी है और एक प्रैक्टिशनर की तरह से भी है, राइट. देन ही वेंट टू इटली टू इम्प्रूव इटालियन एडमिनिस्ट्रेशन. इटालियन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इम्प्रूवाइज करने के लिए, सुधारने के लिए ये प्रोजेक्ट पे गए इटली में. ही वॉज एक्टिवली एसोसिएटेड विद अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्टिवली एसोसिएटेड थे. CAG इज कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से एसोसिएटेड थे. उसके बाद अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के साथ भी जो थे ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे. इसके अलावा जो कुछ फेमस जर्नल्स रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके अंदर भी जो उनकी एडिटिंग टीम थी, उनके अंदर भी जो है Dwight Waldo थे, राइट. देन अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1979 नेम्ड इट्स हाईएस्ट अवार्ड एज Dwight Waldo अवार्ड इन हिज ऑनर. तो Dwight Waldo को ऑनर करने के लिए उनके सम्मान में जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने जो अपना हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे उच्च सम्मान जो वो देती है, उसका नाम ही जो है Dwight Waldo अवार्ड रख दिया था. कब? 1979 में. इसके अलावा जो Dwight Waldo है उनको खुद कौन सा अवार्ड मिला, 1987 में जो है जॉन गॉस लेक्चर अवार्ड उनको दिया गया. उसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड जो है इनको मिले हुए हैं. तो ये कुछ फैक्ट्स थे Dwight Waldo के बारे में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिज पब्लिकेशंस ऑफ Dwight Waldo. सो पब्लिकेशंस में से यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी दे रखी हैं, कुछ मेन हैं, हो सके तो आप सारी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कुछ तो आपको करनी ही करनी है. फॉर एग्जाम्पल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जो कि 1948 में आई, राइट. तो ये इनकी PhD की ही डिजर्टेशन थी. कंप्लीट PhD होने के बाद भी काफ़ी टाइम बाद ये जो है पब्लिश हुई, ठीक है. 1942 में इनकी PhD कंप्लीट हुई, उसके बाद World War II भी हुआ, उसके बाद जाके जो है इन्होंने ये पब्लिश करी. इनकी PhD की डिजर्टेशन थीसिस थी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट. देन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच केम इन 1955, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वुड्रो विल्सन का इससे क्या था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इनकी इस पब्लिकेशन का नाम है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ऐसे मैंने आप एक छोटा सा स्निपेट्स भी बनाया हुआ है, स्निपेट्स वाली वीडियो भी बनाई है यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने जो बुक्स हैं जिनके नेम्स जो हैं बहुत सिमिलर हैं, उनमें आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया ही कौन सी बुक किसने लिखी है. वहाँ पे भी मैंने बताया था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन बाय वुड्रो विल्सन, बट स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गिवन बाय Dwight Waldo, राइट. उसके अलावा इन्होंने लिखी द नॉवलिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन 1968, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, वेरी इंपॉर्टेंट, देन डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी हाइप्रोक्रेसी इन 1977, देन द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1980, एंड देन ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, ये इन्होंने फ्रैंक मैरिनी के साथ जो है मिलकर लिखी थी.
तो ये कुछ बुक्स हैं, इसमें से आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और टाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइम ऑफ टर्बुलेंस तो पता ही होनी चाहिए, अगर बाकी भी आप याद कर सकते हैं तो बेटर है। ओके अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्वाइट वॉल्डो की। ना इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्वाइट वॉल्डो, तो उनको हम जो हेडिंग्स मैंने आपको यहाँ पे 8 हेडिंग्स बना रखी हैं, इनमें स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ड्वाइट वॉल्डो थोड़े से अलग हैं अगर हम उनको कंपेयर करें बाकी थिंकर्स से। तो जैसे हमने बाकी थिंकर्स जब हमने करे, वेन वी स्टडीड सम अदर थिंकर्स, देयर इज यू नो सम प्रोमिनेंट थियोरी और कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द थिंकर। हर थिंकर के साथ कुछ ना कुछ कोई पर्टिकुलर थियोरी या कोई कंसेप्ट जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेलर की बात करते हैं तो उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन दिया, हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी दिया। अगर हम बात करते हैं सपोज एम.पी. फॉरेट की बात करते हैं तो उन्होंने कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो है थियरी कंसेप्ट सामने दिया। ठीक है, अगर हम लिकर्ट की बात करते हैं तो उन्होंने अपने 4 सिस्टम्स दिए। मैस्लो की बात करते हैं तो नीड हायरार्की थियरी दी। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या थियरी है जो इन थिंकर्स ने दिया, ऑलमोस्ट हर थिंकर ने। लेकिन अगर हम ड्वाइट वॉल्डो की बात करते हैं तो ड्वाइट वॉल्डो ने ऐसे अपने आप खुद से कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं दी है। एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूर है जिस मूवमेंट को इन्होंने लीड किया, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अगर हम बाकी इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, वो ज़्यादातर क्या है, इनके आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो जिससे और थ्योरीज थी उन पर इन्होंने कमेंट कर दिया, अपने व्यूज शेयर कर दिए, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। तो इस तरीके की जो है इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग अपने व्यूज दिए, पर कोई एक प्रॉपर अगर हम थ्योरी कहें तो वो थ्योरी नहीं है। राइट, बिकॉज इट इज़ इन योर सिलेबस वी विल बी कवरिंग इट इन डिटेल। लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ नेट JRF के एग्जाम में, तो अभी तक जो क्वेश्चंस ड्वाइट वॉल्डो से आए हैं वो या तो इनकी पब्लिकेशन से आए हैं या फिर इनके जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे आए हैं। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, बिकॉज मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव के नाम से एक अलग से टॉपिक है आपका यूनिट 2 में। सो यूनिट 2 में हमारा ड्वाइट वॉल्डो भी है और यूनिट 2 में हमारे न्यू मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव के नाम से भी टॉपिक है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम डिटेल में उस वीडियो में करेंगे। आज हमें जो फर्स्ट 7 हेडिंग्स आपको दिख रही हैं वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू कि एक कोई फिक्स थियरी नहीं है ड्वाइट वॉल्डो की। इन्होंने अपने अलग अलग टॉपिक्स पे व्यूज़ दिए, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी और उनके व्यूज़ किस तरीके के थे, किसको ये सपोर्ट कर रहे थे, किसको ये क्रिटिसाइज कर रहे थे। राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग से। एक बार हम हेडिंग्स देख लेते हैं। नंबर 1, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जो इनकी डिजर्टेशन थी उसके बारे में हम देखेंगे, उसके क्या मेन उसमें क्या पॉइंट्स रखे हैं इन्होंने। देन हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, देन व्यूज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल थियरी, देन व्यूज ऑन क्लासिकल थियरी, देन व्यूज ऑन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोफेशन पे इनके क्या व्यूज थे, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फ्यूचर, और देन है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वी विल बी कवरिंग सेपरेटली इन अदर वीडियो। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में इन्होंने क्या कहा, की पॉइंट्स क्या थे। नंबर 1, दैट एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिक्स अप्रोच, इन्होंने कहा, इन्होंने जो अप्रोच फॉलो करी एडमिनिस्ट्रेशन को, किस तरीके से देखा, किस नजरिए से देखा, इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स के तरीके से ही देखो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स का चश्मा लगा के ही देखो। तो इसका मतलब क्या है, दैट इन्होंने कहा पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी कंसिडरेशंस कैनॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। आप एडमिनिस्ट्रेशन में से पॉलिटिक्स और पॉलिसी से रिलेटेड जो बातें हैं उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। कहने का मतलब दैट वॉल्डो रिजेक्टेड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी। ठीक है, जो वुड्रो विल्सन ने डायकॉटमी दी थी कि पॉलिटिक्स अलग है एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, कहने का मतलब कि पॉलिसी मेकिंग अलग है एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। उन्होंने वुड्रो विल्सन ने ये दिया था, उसको वॉल्डो ने सबसे पहले रिजेक्ट किया। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स की तरह ही देखा। राइट, और इन्होंने क्या कहा कि बजाय इनको कम्प्लीटली अलग अलग करने के, एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अलग करने के, वी शुड यू नो कॉपरेशन बिटवीन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स शुड बी एंकरेज। इनके बीच में हमें कॉपरेशन एंकरेज करना चाहिए पॉलिटिकल डोमेन के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के बीच में, मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग हैं उनके बीच में कॉपरेशन हमें एनकरेज करना चाहिए, ताकि जो रिजल्ट्स हों वो और भी अच्छे निकल के आए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी फुल पोटेंशियल जो है यूज़ हो सके, उनके फुल क्रिएटिविटी यूज़ हो सके। सो फॉर बेटर रिजल्ट्स उनको हमें अलग नहीं करना है एडमिनिस्ट्रेटर्स को पॉलिटिक्स से, बल्कि उनको एनकरेज करो, उनके बीच में कॉपरेशन लेकर आओ। राइट, देन ही सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से डिफर करती है. क्यों करती है, डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन विच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेट्स. एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑपरेट कर रहा है एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये जो वॉल्डो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स के नज़रिए से ही देख रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड. ओके, आप वो अलग अलग नहीं हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर वो एक साथ मिले हुए हैं, राइट. सो देयरफॉर लाइक, तो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करता है, लेकिन एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर जो है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो करें तो वहाँ पे ऐसे कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है. तो देयरफॉर देयर इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो ये कुछ बातें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की. उसके बाद इन्होंने क्या कहा इसी में, उन्होंने कहा दैट फैक्ट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूज. ठीक है, तो अगर आपको याद हो हमने हर्बर्ट साइमन की थी फैक्ट वैल्यू डायकॉटमी, जिसमें वो अलग अलग करते हैं फैक्ट्स को और वैल्यूज़ को, राइट. तो इन्होंने कहा कि फैक्ट्स को आप वैल्यूज से अलग नहीं कर सकते, ठीक है. और क्योंकि आप फैक्ट्स को अलग नहीं कर सकते हो वैल्यूज से, या वैल्यूज को अलग नहीं कर सकते हो फैक्ट्स से, हेंस एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस. और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट भी है, एक कला भी है, और एक साइंस भी है, विज्ञान भी है. क्यों? क्योंकि जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो किससे डील करता है, खाली फैक्ट से. अगर आप फैक्ट से वैल्यूज को हटा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब वहाँ पे खाली साइंस नहीं है, कुछ और भी है. और वो कुछ और क्या है, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की कला है, इट इज़ एन आर्ट, राइट. तो वो क्या, ड्वाइट वाल्डो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, एंड परहैप्स मोर आर्ट देन साइंस. और शायद कला ज़्यादा है बजाय विज्ञान की. एक तो दोनों है, और अगर हम डिग्री देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा है, तो कला ज़्यादा है बजाय विज्ञान के. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर एन आर्ट दैन अ साइंस, राइट. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसी बुक में, इनकी पब्लिकेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में, ये तो हमारा मेन थीम हमने डिस्कस कर ली. चार सेंट्रल आइडियाज़ हैं, अगेन हम इसे थीम ही बोल सकते हैं. चार सेंट्रल आइडियाज़ क्या क्या हैं? नंबर वन, दैट देयर इज इंट्रिंसिक टेंशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी दैट ऑब्लाइजेस करियर पब्लिक सर्वेंट्स टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. ये जो आपकी डेमोक्रेसी है और एक जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उसके बीच में एक इंट्रिंसिक टेंशन रहती है. इंट्रिंसिक टेंशन मतलब एक नेचुरल टेंशन, एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट रहता है ब्यूरोक्रेसी के बीच में, डेमोक्रेसी के बीच में. यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब है जो आपके इलेक्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं. ओके, सो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या हैं, इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डेमोक्रेसी से आए हैं, राइट. और ब्यूरोक्रेसी में क्या है, जो मेरिट के बेसिस पे गए हैं. सपोज हम आईएएस ऑफिसर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो इनके बीच में एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है, ठीक है. और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से करियर पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी कोशिश रहती है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आए ज़रूर डेमोक्रेसी से हैं, लेकिन वो प्रमोट करेंगे डेमोक्रेसी को या फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को. मतलब वो सबका ध्यान रखेंगे, एक सबका बेनिफिट देख के चलेंगे सोसाइटी का, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो एक नेचुरल टेंशन बनी रहती है, एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी. दिस वॉज वन ऑफ द थीम्स ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल आइडियाज ऑफ दिस पब्लिकेशन. नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी इज फॉल्स. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्वाइट वाल्डो ने कहा कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी जो है वो फॉल्स है. मतलब वो रिजेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी. वो इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से हम अलग नहीं कर सकते, राइट. नाउ कमिंग टू द थर्ड आइडिया, ही सेड दैट पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट नेगोशिएट एफिशिएंसीज डिमांडेड बाय द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट विद ड्यू प्रोसेस एंड पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एफिशिएंसी की बात करती है, क्लासिकल थ्योरी एफिशिएंसी की बात, सारा फोकस जो है एफिशिएंसी 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 के ऊपर लगा रहता है, ठीक है. तो कहते हैं कि ठीक है एफिशिएंसी है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि एफिशिएंसी तो हो, एफिशिएंसी तो ला ही रही है जो भी सरकार है या जो भी हमारी मैनेजमेंट है, वो तो आ ही रही है, लेकिन वो जो एफिशिएंसी है वो प्रॉपर तरीके से आए बाय ड्यू प्रोसेस, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो और पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट, ठीक है. तो हर किसी को जो है गवर्नमेंट पे इक्वल एक्सेस होना चाहिए. तो एफिशिएंसी आ रही है, पर एफिशिएंसी एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक एक्सेस या प्रोसेस के कॉस्ट पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है. मतलब एफिशिएंसी लाओ, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से लाओ, उसको जो बेनिफिट होना चाहिए वो भी हो, मतलब इफ़ेक्टिवनेस भी आए. खाली एफिशिएंसी से कुछ नहीं होगा, और ये काम किसको करना है, पब्लिक सर्वेंट्स को करना है.
फोर्थ इज गवर्नमेंट कैनॉट बी रन लाइक अ बिजनेस. वो तो हमने देख ही लिया कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है. तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको आप बिजनेस के तरीके से नहीं चला सकते हो, बिजनेस अलग है, गवर्नमेंट चलाना अलग है. तो ये फोर सेंट्रल आइडियाज थे किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के. तो ये जो कुछ बातें थी इन्होंने अपनी जो डिजर्टेशन में, अपनी थीसिस में कही. राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. अब ये क्या है, तो अकॉर्डिंग टू वॉल्डो, वॉल्डो ने क्या कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितनी सिविलाइजेशन पुरानी है ना, उतनी ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरानी है. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड एंड प्रैक्टिस हैज़ इट्स ओरिजन इन द अर्लीस्ट टाइम्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो जितनी जब से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन चली आ रही है तब से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चली आ रही है. सो इट इज़ नॉट न्यू. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड है, इसकी जो प्रैक्टिस है, कुछ नया नहीं है. ऐसा नहीं कि अभी आया है, उन दिनों में आया था, इसका मतलब बहुत पहले से, सालों साल से चलता आ रहा है. ही सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविलाइजेशन हैव को एग्जिस्टेड एंड ईच हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर. सिविलाइजेशन थी इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, सिविलाइजेशन को संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है. और एडमिनिस्ट्रेशन तब थी क्योंकि सिविलाइजेशन थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविलाइजेशन को प्रमोट किया, सिविलाइजेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया. जितनी ज़्यादा सिविलाइजेशन बढ़ती रहेगी उतनी एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी, और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी उतनी ही जो सिविलाइजेशन के गोल्स हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव होंगे. तो मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब से है तब से सिविलाइजेशन है, जब से सिविलाइजेशन है तब से एडमिनिस्ट्रेशन है, और दोनों ने एक दूसरे को डेवलपमेंट में हेल्प करी. राइट, सो वॉल्डो अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू हिस्ट्री, अ लॉट टू बी लर्न फ्रॉम इट. तो वॉल्डो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हिस्ट्री को, और कहते हैं कि हिस्ट्री से सीखने को बहुत कुछ है. यहाँ पे इट रेफर्स टू हिस्ट्री. सो ही सेड दैट देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. राइट, अकॉर्डिंग टू हिम उनका कहना था दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ दो इन डिफरेंट वेज एंड विद एंडलेस वेरिएशन ऑफ इट्स थीम. कि हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है. हो सकता है कि बिल्कुल सेम तरीके से ना दोहराए, अब एग्जैक्टली रिपीटेशन जो है ना हो, वेरिएशन हो उसमें, बट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. ठीक है, तो उनका बहुत स्ट्रांगली मानना था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और क्योंकि वो अपने आप को दोहरा रहा है, तो अगर हमसे कोई पहले, जैसे हम पहले जो है हिस्ट्री है कुछ सीख सकते हैं, तो क्यों ना सीखें, क्योंकि वो हमारे आगे एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा. नहीं तो अगर हम पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन से, कुछ प्रैक्टिसेस से, या कुछ हमसे मिस्टेक्स हुई हैं उनसे कुछ सीख सकते हैं, तो इट इज़ गुड, बिकॉज इट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ इंसाइट्स, हाइपोथेसिस एंड साइंटिफिक कंक्लूजन्स फॉर द फ्यूचर. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ दो इन डिफरेंट वेज एंड विद एंडलेस वेरिएशन ऑफ इट्स थीम्स, इग्नोरिंग द पास्ट. अगर हम पास्ट को, अगर हम हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, उससे क्या होगा, दैट विल डिनाई an important source of insights, hypothesis and scientific conclusions. कि अगर हम past को, अपनी history को ignore कर देते हैं, तो उससे हम एक बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी source insights का, मतलब learnings का, hypothesis का, scientific conclusions का, इसको deny कर रहे हैं, इसको मना कर रहे हैं. तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि history से बहुत, history में बहुत सारे lessons हैं जो कि हमारे future में भी काम आते हैं, तो हमें history से सीखना चाहिए. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव. ये थे व्यूज वॉल्डो के ऑन हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव. नाउ कमिंग टू व्यूज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी. तो ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी के बारे में वॉट डज राइट वॉल्डो से, ही सेज दैट ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी कैन बी, ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी डेवलप्ड इन थ्री स्टेजेस. नाउ लाइक इन यूनिट वन वी डिड द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, सो हमने क्या किया, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पाँच मेन स्टेजेस की थी. ठीक है, तो अब हमने तो पांच मेन स्टेजेस करी, पर ड्वाइट वॉल्डो उन स्टेजेस, उनको पांच स्टेजेस नहीं देखते, उनको तीन स्टेजेस देखते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो व्यूज कर रहे हैं हम वॉल्डो के हिसाब से कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी है उसको हम तीन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेज है क्लासिकल पीरियड. ठीक है, दिस वॉज बेस्ड ऑन मशीन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वॉट इज मशीन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पार्ट्स ऑफ अ मशीन जो है डील करते हैं. ठीक है, उनको पार्ट्स ऑफ मशीन की तरह देखते हैं, तो दैट इज़ मशीन मॉडल. ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक मैन कंसेप्ट भी बोलते हैं, जिसमें हमने कहा कि जो इंसान है खाली पैसे से मोटिवेट होता है, और उसको जितना मर्जी पैसे दिए जाओ और काम करवाए जाओ. ठीक है, तो मशीन के हिस्से की तरह हम उसको समझ लेते हैं. सो क्लासिकल थियरी वॉज बेस्ड ऑन मशीन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट एंडेड विद पब्लिकेशन ऑफ द पेपर्स ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन्होंने कहा, वॉल्डो ने कहा कि क्लासिकल पीरियड मशीन मॉडल था, और वह ख़त्म कब हुआ, जब पब्लिकेशन हुई किसकी, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमें गोलिक एंड उर्विक ने दिए थे. तो इन्होंने ये नहीं कहा कि क्लासिकल पीरियड स्टार्ट कब हुआ.
Dwight Waldo did not mention anything about the beginning of classical period. He just said that it ended with the publication of papers on the science of administration. Right. Now, coming to the second stage, it is neoclassical approach. So he calls the second stage as neoclassical approach. Now, what is this neoclassical approach? It began with the Hawthorne studies in 1920s and continued till mid-century. So in 1920s se shuru hui aur 1950s tak jo hai chali. ठीक है एंड इट फोकसेस ऑन इमोशंस एंड सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो इमोशंस पे फोकस करती है एंड सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कहने का मतलब जो हमारी ह्यूमन रिलेशंस थियोरी थी, जो हमारी बिहेवियरल थियोरी थी, जो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो ड्वाइट वाल्डो हैं वो न्यू क्लासिकल अप्रोच में देख रहे हैं. राइट. नेक्स्ट स्टेज, द लास्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू वाल्डो इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियोरी. This began with the publication of Organizations. Organizations एक book का नाम है by March and Simon in 1958 and the focus was on organizational growth and survival. कि organization की growth कैसे हो, कैसे की जाए, वो organization कैसे survive करे with the changing times, उसे कैसे सर्वाइव करना चाहिए, इससे डील करती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी. नाउ यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. जो हमने एवोल्यूशन पढ़ा है वो जनरल एवोल्यूशन पढ़ा है, ठीक है. अगर एवोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा वो, ये सिर्फ ड्वाइट वाल्डो के व्यूज हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा हमने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने तो सेकेंड स्टेज में पढ़ा था और यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज में बोल रहे थे. दीज आर ओनली द व्यूज ऑफ ड्वाइट वाल्डो. ओके, आपने वो पांच जो है वो अलग रखने हैं. ड्वाइट वाल्डो के हिसाब से वो तीन स्टेजेस हैं. राइट. नाउ कमिंग टू views on classical theory. So now what were the views of Dwight Waldo on classical theory? Now सबसे पहले इन्होंने एक तो classical theory को criticize किया, but before criticizing the theory he also identified five basic characteristics or five basic features of this theory. राइट. सो जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे, एक तो जो क्रिटिसिज्म करी ड्वाइट वाल्डो ने और एक इनके फीचर्स दिए. ठीक है, तो फीचर्स हमने पढ़ रखे हैं बट ये फीचर्स किसने पर्टिकुलरली मेंशन करे, ड्वाइट वाल्डो ने मेंशन किए. सो व्हाट वर दीज फीचर्स अकॉर्डिंग टू वाल्डो? नंबर वन, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी. कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो पॉलिटिक्स को अलग समझती है, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग समझती है. फॉर द क्लासिकल थियोरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये तो हमें पता ही है. ओके. सेकेंड क्या है? जेनरिक मैनेजमेंट ओरिएंटेशन. ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है वो जनरल है. क्लासिकल थियोरिस्ट्स का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन सब जगह सेम है. ठीक है, आप पब्लिक, कहने का मतलब पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट मैनेजमेंट सेम ही है. ठीक है, तो जनरल मैनेजमेंट है वो कहीं पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी हमें पता ही है. उसके बाद है सर्च फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस. तो जो क्लासिकल थियोरिस्ट्स हैं इनकी क्लास जो फीचर ही ये था कि दे वर लुकिंग फॉर सम पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो एक बार हमें पता लग जाए हम उसको फिर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, दे हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. राइट. सो दिस वॉज अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल थियोरी. फोर्थ इज एम्फेसिस ऑन सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी. कि सेंट्रलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है, फोकस है, किसका? क्लासिकल थियोरिस्ट का. ये किस बात, ये कौन कह रहे हैं? ड्वाइट वाल्डो कह रहे हैं. राइट. एंड फिफ्थ इज कमिटमेंट टू ब्यूरोक्रेसी, दैट द क्लासिकल थियोरिस्ट, क्लासिकल थियोरी वॉज फोकस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड थी डेमोक्रेसी को. सॉरी, ब्यूरोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी, बिकॉज इट वॉज कमिटेड टू डेमोक्रेसी. सो दीज वर द फाइव करेक्टरिस्टिक्स विच वर आइडेंटिफाइड बाय वाल्डो रिगार्डिंग क्लासिकल थियोरी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द criticism of classical theory by, according to Waldo. So he said that principles are based on commonalities, specificity of the organizations is ignored. कहने का मतलब क्या है? principles की हमने बात करी, जो classical theory है वो principles की बात करती है. अभी जो principles हैं उनकी universal application है. मतलब जो हमारे थियोरिस्ट्स हैं, जो क्लासिकल थियोरिस्ट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को सब जगह सेम दिख रहे हैं, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए सेम ही है. मतलब प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉमन चीज़ों पे बेस्ड हैं, वो सब चीज़ को कॉमन देख रहे हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन को कॉमन देख रहे हैं, सेम देख रहे हैं. लेकिन ऐसा तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन जो है सारी सेम नहीं होती, उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं. इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं बजाय जो USA में होगी. तो स्पेसिफिक जो कुछ चीज़ें थी उस चीज़ को इग्नोर किया, स्पेसिफिसिटी को जो है क्लासिकल थियोरिस्ट ने इग्नोर किया. तभी उन्होंने कह दिया कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है. बट दिस इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू वाल्डो.
ठीक है, तो एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए था। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन की इकोलॉजी, उसके आसपास का एनवायरनमेंट को कंसीडर कर रहे हो, पर क्लासिकल थियरिस्ट ने ऐसा नहीं किया। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकेंड, क्लासिकल अप्रोच इग्नोर्स द इरेशनल एंड इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो क्लासिकल थियोरी है, क्लासिकल अप्रोच है, इट कंसीडर्स ह्यूमन बींग्स टू बी रैशनल बींग्स, ठीक है, रैशनल है, लॉजिकल बींग्स हैं, और इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स की कोई भी बात नहीं होती है। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, हमने कितनी बार बाद में जो है थ्योरी में डिस्कस किया, चेस्टर बर्नार्ड ने कितनी जो है वैल्यू दी है इनफॉर्मल ग्रुप्स को, साइमन ने इनफॉर्मल ग्रुप्स को कितनी वैल्यू दी है। तो इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स के बारे में क्लासिकल थ्योरी ने कुछ भी बात नहीं करी, राइट। नंबर थर्ड इज प्रिंसिपल्स जो है दे आर लिटल मोर देन एक्सटेंशन ऑफ कॉमन सेंस। सो वॉल्डो ने कहा कि जो प्रिंसिपल्स हैं ना, जो ये सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ये कोई साइंटिफिक वाइंटिफिक कोई चीज़ नहीं है। दीज आर जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, उन्हीं को आपने फ्रेम करके बोल दिया है। सो जैसे कॉमन सेंस को ही थोड़ा मोर रिफाइन करके, लिटल मोर देन एक्सटेंशन ऑफ कॉमन सेंस, कहने का मतलब ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप इतना प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर फोकस कर रहे हो, प्रिंसिपल्स कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट कॉमन सेंस, ठीक है। डिसिप्लिन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बातें हैं। आपने ऐसा कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करी है, ऐसा वॉल्डो ने बोला। देन ही सेड दैट वैल्यूज कैन नॉट बी ट्रीटेड साइंटिफिकली। नाउ द क्लासिकल थियोरिस्ट जो थे, इनकी फोकस भी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे रहती थी, मतलब कि साइंटिफिक होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी साइंटिफिक, राइट। बट जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज को आप साइंटिफिकली ट्रीट नहीं कर सकते। आप फैक्ट्स को साइंटिफिकली ट्रीट कर सकते हो, बट नॉट द वैल्यूज। तो यहाँ पे कि जो है क्रिटिसिज्म निकल के आ गई। देन फिफ्थ, एफिशिएंसी ऑफ क्लासिकल थिंकर्स इंटेंड्स टू रिप्लेस मॉरलिस्टिक अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द क्लासिकल थिंकर्स केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी, एम्फोसाइजिंग ऑन एफिशिएंसी, राइट। इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए, बट उस इतना ज़्यादा ध्यान उन्होंने एफिशिएंसी को दे दिया कि जो मॉरल अप्रोच है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको ही उन्होंने इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वर्कर्स से जितना मर्जी काम कराए जाओ, अरे वो भी इंसान है, दे नीड रेस्ट, राइट। तो उनको भी मतलब रेस्ट चाहिए, उनकी वैल्यूज, उनकी इमोशंस का ध्यान रखा जाना चाहिए। पर जो ये मॉरल कंसिडरेशंस थी, इनकी कोई जगह नहीं है क्लासिकल थियोरी के अंदर। तो ये जो है क्रिटिसिज्म थी ऑफ क्लासिकल थियोरी बाय ड्वाइट वॉल्ड, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, कि इनके कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या व्यूज थे। नाउ यू नो आई एम डूइंग दिस थिंकर इन अ लॉट ऑफ डिटेल। वैसे नेट के एग्जाम में अभी तक तो इतने डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट स्टिल यू शुड हैव अ जनरल आइडिया। तो अगर आपको जनरल आइडिया भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जनरल आइडिया समझोगे तो आपसे हो जाएगा, ओके। सो इन्होंने कहा CPA इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। CPA जो है, इट बोथ रिजेंबल्स एंड डिफर्स फ्रॉम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी। कि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियोरी से रिजेंबल भी करती है और डिफर भी करती है। कहने का मतलब, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियोरी में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं, ये इन्होंने मेंशन किए। नाउ व्हाट इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियोरी? वो थियोरी जो ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ओपन सिस्टम देखती है, ओके, जो ये बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम है, एनवायरनमेंट जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है हमारा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी उस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखकर कंटिन्यूसली इवॉल्व होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियोरी इज द थियोरी विच लुक्स एट ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की बात करे। तो यही है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियोरी। अब सिमिलैरिटीज की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। जब हमने एनवायरनमेंट को ही कंसिडरेशन में ले लिया मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियोरी में, तो फिर तो वहाँ पे पॉलिटिक्स भी आ गई, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ गए, आपके कल्चरल फैक्टर्स भी आ गए, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ गए, फिर सोशल फैक्टर्स भी आ गए। सिमिलरली जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इंटरडिसिप्लिनरी है इन अप्रोच, राइट। सेकेंड है सर्च फॉर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरीज। तो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी की जो सर्च है, दोनों ने करी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में भी। उसके बाद है रिलायंस ऑन मॉडल्स लाइक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एटसेट्रा, ठीक है। तो हर थ्योरी को कुछ ना कुछ मॉडल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर वो अपना एक बेस बना सके, राइट। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है, ये भी एक मॉडल्स को सर्च करती है, ढूंढती है, ठीक है। और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी भी जो है मॉडल्स
पे जोर देती है, उसको सर्च करती है। इनफैक्ट कोई भी थ्योरी हो, हर थ्योरी की जो है कोशिश रहती है कि कोई ना कोई जो मॉडल है उसकी तलाश की जाए, उस पर सर्च की जाए, ताकि वो अपना जो बेस है स्ट्रॉन्ग कर सके, राइट। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं और वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस जो है वो बना परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, राइट। तो इस तरीके से जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू वॉल्डो, वो दोनों के दिनों मॉडल्स पे रिलाई करते हैं। ये और ये दिस इज ट्रू, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी थ्योरी के लिए हर थ्योरी चाहती है कि कोई ना कोई मॉडल उसको मिले, राइट। उसके बाद है कंसर्न फॉर मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कि मेथड की तरफ ध्यान है कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल फोकस ऑन कि अच्छा, जो वेस्टर्न टेक्निक्स है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमारे यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रही, सो व्हाट रॉन्ग आर वी डूइंग इन द मेथडोलॉजी, हमारी मेथडोलॉजी कहाँ खराब हो रही है। सिमिलरली जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो मेथडोलॉजी पे फोकस करती है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करें, एनवायरमेंट के हिसाब से कैसे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है, चेंज करना चाहिए। उसके बाद है एम्पिरिकल डिस्क्रिप्शन, एम्पिरिकल मतलब विच इज़ बेस्ड ऑन साइंस, विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। तो ये दोनों के दोनों जो है साइंस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अकॉर्डिंग टू ड्वाइट वॉल्डो। नाउ कमिंग टू डिफरेंसेस, तो वॉल्डो ने कहा दैट कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एंड फोकस ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, कि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंपेयर भी करती है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, तो वी विल बी कंपेयरिंग। जैसे हमें रिग्स के बारे में पता है, तो रिग्स ने जो है कंपेरिजन किया डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के बीच में, है ना। हम प्रिज्मेटिक जो है मॉडल भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने एग्रेरियन सोसाइटीज़ के बीच में और जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बीच में, ट्रांजिशनल सोसाइटीज़ के बीच में कंपेरिजन किया। तो ऐसा कोई कंपेरिजन जो है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थियरी के में नहीं है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे कल्चरल कल्चर वगैरह का भी जो है ध्यान रखेंगे। जो एग्रेरियन सोसाइटीज होंगी उनका कल्चर कुछ और होगा, ट्रांजिशियस सोसाइटीज होंगी उनका कल्चर कुछ और होगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होंगी उनका कल्चर कुछ और होगा। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन सीपीए एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी, ठीक है। तो ऐसे जो है इन्होंने, इनके व्यूज हैं, कोई थियोरी नहीं दी है वर्ल्डो ने, जस्ट उनके व्यूज़ हैं। जैसे आपके किसी भी चीज़ पे व्यूज़ हो सकते हैं, तो ऐसे ही वर्ल्डो के जो ड्वाइट वर्ल्डो के जो हैं ये व्यूज़ हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि ऑल दो सीपीए वाज बिलीव टू बी एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट प्रॉमिस इन कंटेम्प्रेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्डो एजर्टेड दैट द सीपीए मूवमेंट फेल्ड टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन द वे ऑफ रिग्रेस थियरी। तो उस टाइम पे जब वर्ल्डो बात कर रहे हैं, ठीक है, सीपीए मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत उम्मीदों के साथ देखा जा रहा था कि अच्छा, मतलब अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ज़्यादा तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हालांकि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखा जा रहा था एज एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट प्रॉमिस, जहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोप है, जहाँ बहुत ज़्यादा होप है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कंटेम्प्रेरी मतलब उस टाइम की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वर्ल्डो ने कहा कि सीपीए की मूवमेंट जो है इट फेल टू प्रोड्यूस एनीथिंग इन द वे ऑफ रिग्रेस थियरी। तो कोई पर्टिकुलर कोई बहुत स्ट्रांग थियोरी जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की निकल के नहीं आई, ऐसा वर्ल्डो ने कहा। अब थियोरी तो निकल के नहीं आई, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी नहीं निकल के आए, तो बड़ा प्रेशर था कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि रिजल्ट्स लाओ, कुछ रिजल्ट्स तो लेके आओ, उतनी रिसर्च हो रही है, कुछ रिजल्ट्स लेके आओ। तो जो प्रेशर था प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में, रिजल्ट्स का, उसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ स्विच फ्रॉम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रिजल्ट्स का जो प्रेशर था कि रिजल्ट्स आने चाहिए, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्प्रूव हो, तो उससे क्या हुआ, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गॉट स्विच टू, गॉट चेंज टू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। बट वॉल्डो ने कहा दैट बट सच अ स्विच डेंट प्रोड्यूस एनकरेजिंग रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स ना कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ खास दिए और ना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ खास रिजल्ट्स दिए, ऐसा जो है ड्वाइट वॉल्डो ने कहा, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो अब प्रोफेशन मतलब एक काम के तरीके से हम देखें, एज करियर अगर हम देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में जो वॉल्डो के क्या व्यूज हैं। सो वॉल्डो ने कहा दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ प्रोफेशन, सबसे पहले होते प्रोफेशन है ही नहीं इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, इज नॉट टू बिकम वन, ना होने वाला है, ना मतलब आगे फ्यूचर में बनेगा, एंड परहैप्स शुड नॉट इवन बी वन। मतलब वर्ल्डो ने क्या कहा, ये ना तो ये प्रोफेशन है, ना आगे बनने वाला, और ना ये बनना चाहिए, राइट। लेकिन उन्होंने कहा ही सपोर्ट्स प्रोफेशनल ओरिएंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो अलग से कोई प्रोफेशन नहीं है, ना होगा ना होना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो सब जगह हो रही है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उसको एक प्रोफेशनल तरीके से, एक प्रोफेशनल ओरिएंटेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी हो रही है उसको एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करो, प्रोफेशनलिज्म के साथ करो, लेकिन अलग से यह कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। बट उन्होंने अगेन ये फिर ये कहा दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव अ सेपरेट प्रोफेशनल स्कूल स्टेटस इन द यूनिवर्सिटीज़, बट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक अलग से, इनके जैसे बिजनेस स्कूल्स होते हैं, तो ऐसे ही एक प्रोफेशनल स्कूल होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब समझ ही नहीं आ रहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेशन के बारे में वॉल्टो कहना क्या चाह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि प्रोफेशन है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, कभी कह रहे हैं कि इसको प्रोफेशनलिज्म के साथ करो, कभी कह रहे हैं कि अलग से उसका प्रोफेशनल स्कूल बनाओ, तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो, सो ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर हिज व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि खुद ही कन्फ्यूज लग रहे हैं। कभी कह रहे हैं प्रोफेशन नहीं है, फिर कह रहे हैं प्रोफेशनल स्कूल अलग से बना दो, मतलब है नहीं पर बना दो। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, एक इसको समझाने के लिए, इस अपने व्यूज को समझाने के लिए उन्होंने एक एनालॉजी का यूज़ किया। वट इज एनालॉजी? वेन वी कंपेयर समथिंग टू सम अदर थिंग, है ना। जैसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में लें, अगर आपने थोड़े बहुत बॉलीवुड सॉन्ग्स सुने हो पहले वाले, तो जैसे होता है इसमें चांद सा रोशन चेहरा, है ना, जुल्फों का रंग सुनहरा। अब किसी का चेहरा असली में तो किसी के फेस पे मून नहीं लगा हुआ, बट इट इज़ अ वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज, समझाने की। अच्छा कि जैसे चांद सुंदर होता है तो मैं बहुत सुंदर हूँ, राइट। तो ऐसे ही अगर हम और सॉन्ग्स की बात करें, जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, राइट। तो ये जो ये है, दिस इज एनालॉजी। सिमिलरली हम इंग्लिश में कोर्स देखते हैं, राइट, वी लाइक वी व्हेन वी से लाइक लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, एन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। नाउ लाइफ असली में तो आइसक्रीम नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको समझाने के लिए कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, अच्छे से एन्जॉय करो, उसको कंपेयर कर दिया किसके साथ, आइसक्रीम के साथ। तो सिमिलरली जो ड्वाइट वॉल्डो हैं, अपने व्यूज़ को समझाने के लिए एक कंपेरिजन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किससे, मेडिसन से, दवाइयों के फील्ड से, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड से। सो ही सेज कि जो मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू वॉल्डो, मेडिसिन इज बोथ साइंस एंड आर्ट। जो मेडिसिन का फील्ड है वो साइंस भी है एंड आर्ट भी है, बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिस। अब मेडिसिन में लोग पढ़ाई भी करते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं एज डॉक्टर्स। हैज़ मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस, उसका जो फोकस है मल्टी डिसिप्लिनरी रहता है, रादर देन ए सिंगल थियोरी। जैसे हम देखेंगे अलग अलग तरीके के जो है मेडिसिन की सिस्टम्स होते हैं, योगा भी है, नेचुरोपैथी भी है, और पता बहुत सारे, मतलब आयुर्वेदा भी है, बहुत सारी इसकी थियरीज रहती हैं, कोई सिंगल थियरी नहीं है। एंड इज गिवन डायरेक्शन बाय अ ब्रॉड सोशल पर्पस, और एक मेन सोशल पर्पस रहता है कि लोगों की हेल्थ इम्प्रोवाइज करें, सोशल जो है बेनिफिट दें, सोशली हेल्प करें लोगों को, राइट। तो इस तरीके से जो है ड्वाइट वॉल्डो ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया मेडिसिन से। बट अगेन इसका भी जो है क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि जो मेडिसिन जो प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो एक प्रोफेशन है, लेकिन खुद ये कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोफेशन नहीं है। सो यहाँ पर जो इनके व्यूज़ हैं अपने आप में ही बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी और वेग हैं, समझ नहीं आता, और इसलिए इनको जो है क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया गया। तो वॉल्डो ने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माइट एक्ट एज अ प्रोफेशन विदाउट बीइंग वन और इवन होपिंग टू बिकम वन। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रोफेशन की तरह, एक करियर की तरह एक्टिंग कर सकता है, एक्ट कर सकता है, लेकिन वो है नहीं और ना ही हो सकता है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि वॉल्डो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, राइट। सो दीज वर सम व्यूज ऑफ वॉल्डो अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोफेशन। मतलब खुद ही इतने कंफ्यूज हैं, इतना इतने बड़े इंसान होकर, इतने बड़े थियोरिस्ट होकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, जिन्होंने एक प्रैक्टिशनर की तरह भी काम कर लिया, फैकल्टी की तरह भी काम कर लिया, और वो ऐसी बातें बोल रहे हैं, राइट। तो लिटिल बिट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी से जो है इनके व्यूज़ हैं इस बारे में। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्यूचर, फ्यूचर क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बारे में ज़रा इनके व्यूज़ देखते हैं। सो वॉल्डो ने एग्जामिन किया रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्बुलेंट टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्डो जो आने वाला टाइम था, जो उस टाइम पे जो फ्यूचर था, ठीक है, वो टर्बुलेंट था, क्योटिक था, कन्फ्यूजन वाला था, टाइम्स जो थे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे। तो उन्होंने एग्जामिन किया कि जो बदलते वक्त थे, आने वाला जो वक्त था, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या रहेगा, राइट। और उन्होंने ये कहा कि जो वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर की वो कैसी होंगी, ठीक
तो उन्होंने कहा दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्यूचर विल बी लेस ब्यूरोक्रेटिक, उसमें ब्यूरोक्रेसी कम होगी, मिक्स्ड होगी पब्लिक प्राइवेट नेचर की, मतलब उसमें पब्लिक भी होंगी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी मिक्सचर होगा, जैसे आज हम देखते हैं पीपीपी मॉडल से जो है काम हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, तो ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था. मोर चेंज कॉम्प्लेक्सेज इन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैन यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, कहने का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, एक सिंगल हायरार्की की बजाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगी बहुत ज़्यादा. मोर इंटरनेशनल एंड मल्टी नेशनल इन ऑपरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ऐसा नहीं कि एक बाउंड्री में लिमिटेड है एक कंट्री की या एक स्टेट की, दे विल बी इंटरनेशनल एंड मल्टी नेशनल इन ऑपरेशन, के ऑपरेशन जो होंगे बहुत सारे कंट्रीज तक फैले हुए होंगे. सो दिस वॉज प्रिडिक्टेड बाय वर्ल्डो, राइट. तो ये इनके व्यूज से अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फ्यूचर. तो अब हमने इनके जो हमने लेट मी मूव आई थिंक यहाँ पे स्लाइड डालनी रह गई है स्टार्टिंग वाली. तो ये हमने कंट्रीब्यूशंस की थी. तो यहाँ पे अब हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के बारे में पढ़ लिया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के बारे में जिन्होंने जो जिसमें उन्होंने थ्री स्टेजेस दी थी, क्लासिकल न्यू क्लासिकल मॉडर्न, वो देख लिया. व्यूज़ ऑफ ऑन क्लासिकल थियरी जिसमें उन्होंने फीचर्स दी और क्रिटिसिज्म करी वो देख लिया. व्यूज़ ऑन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें उन्होंने सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थियरी बताया वो देख लिया. प्रोफेशन के बारे में तो व्यूज़ हमने देख ही लिए, और फ्यूचर क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो देख लिया. रह गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट विल बी डेल्ट इन अ सेपरेट लेसन, ठीक है, इन डिटेल. तो ये थे सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्वाइट वाल्डो. अब थोड़ी सी इनकी एवेल्युएशन देखते हैं, या फिर क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं देखते हैं. तो इनको कहा गया दैट ड्वाइट वाल्डो वाज मोर अ क्रिटिक एंड अ कमेंटेटर ऑन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैन अ क्रिएटर. जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है और जो कमेंटेटर होता है वो खाली कमेंट्री करता रहता है, या तो वो बेस्ती करता रहता है कमेंट्री करता रहता है, उसने खुद तो जाके ना बैटिंग करनी है ना बॉलिंग करनी है ना फील्डिंग करनी है, राइट. तो वो उसने अरे इनको अगर कोई अच्छा नहीं खेल रहा तो उसकी बेस्ती करता रहेगा, किसी ने अच्छा खेल दिया तो बोल देगा कि हाँ जी सिक्स हो गया फोर हो गया, राइट. सो उन्होंने इनको कहा जाता है कि ये ज़्यादा क्रिटिक करते हैं, मतलब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और कमेंट्री कर रहे हैं तो औरों के काम पे, क्लासिकल थिंकर्स के काम पे, ठीक है, हर्बर्ट साइमन के काम पे, मैक्स वेबर के काम पे, ही इज यू नो अपनी कमेंट्री दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पर खुद इन्होंने कुछ ज़्यादा जो है क्रिएट नहीं किया. और वो हम इस पूरे के जो अपने लेसन भी देखा तो अपने व्यूज़ ही हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर कोई थियोरी नहीं जो है सामने आती है. और एक जो इनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया वो किया गया ड्यू टू एम्बीवेलेंस. एम्बीवेलेंस का मतलब होता है व्हेन देयर आर मिक्स्ड कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, कभी आप कुछ कह रहे हो कभी आप कुछ कह रहे हो, कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं है आपका, तो कहते हैं एम्बीवेलेंट आइडियाज. तो इन्होंने कहा जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट भी है साइंस भी है, ठीक है जी दोनों है, पर हम इसका करें क्या. जैसे कम से कम क्लासिकल थिंकर्स ने हमें बताया था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको साइंस की तरह ट्रीट करो, उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए और उनको कहा इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए. तो इन्होंने ये तो बोल दिया कि वो खाली साइंस नहीं है आर्ट भी है, बट नाउ वॉट, इसको हाउ डू वी अप्लाई, इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें कि अगर वो आर्ट है तो साइंस है दोनों है, या आर्ट ज़्यादा है, नाउ वॉट टू डू विद दिस, राइट. फिर उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोफेशन का तो आपने देख ही लिया, क्या बोला कभी कुछ बोल रहे हैं वो कह रहे हैं प्रोफेशनल, एक प्रोफेशन ना है ना होना चाहिए, लेकिन उसको एज एक्ट करना चाहिए प्रोफेशन के साथ. तो मतलब कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, या तो आप व्यूज़ दो ही मत, व्यूज़ दे रहे हो तो आप क्लियर व्यूज़ दो, राइट. तो ऐसा इसके बारे में इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया. एंड देन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, सो इन्होंने कहा कि इनहेरेंट टेंशन रहती है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी के बीच में, ठीक है जी. और इन्होंने ये भी कहा कि दोनों के दोनों होने ही चाहिए, बट उनके कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है कोई टेंशन है, मतलब उन्होंने ये कह के छोड़ दिया दैट एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है, एक इनहेरेंट टेंशन है, तो उसके बाद करें क्या. तो मतलब कोई सोल्यूशन जो है बिल्कुल भी जो ड्वाइट वाल्डो नहीं देते. तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि कमेंट्री बहुत कर रहे हैं और वो क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, पर खुद उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया. बट देन इनके सपोर्ट में ये भी कहा गया कि हालांकि खुद कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं, बट ही हैज़ रेज्ड द राइट क्वेश्चंस. एक सही सवाल पूछना भी ज़रूरी है, ठीक है. तो चाहे इनको आंसर्स नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज करे जिससे हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो शुरू होती है, ठीक है, जिससे हम थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्वाइट वाल्डो, सारे के सारे कंट्रीब्यूशन और इनकी इवैल्यूएशन हमने जो है कर ली है. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेसन, एंड मेक श्योर यू नो रिवाइज दिस, क्योंकि नॉर्मली जो है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ड्वाइट वाल्डो को पढ़ाया नहीं जाता है, तो ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ एक दो बार जो है इस लेसन को देख लें और अपने नोट्स जो है बना लें. आई सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेसन, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड एंड स्मार्ट. बाय बाय.